good morning to everyone myself krishnan kumar from surah school rewadi students our previous lecture on a chapter 8 introduction to trigonometry and uh, in which we are on exercise 8.4 students let let's proceed this exercise with question 5 part Four. वन प्लस सिकंड ए अपॉन अपन ए इज इक्वल साइंस स्क्र ए अपॉन वन माइनस कोस एटा टेक एल एच एस वन प्लस सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए चेंज कर लेंगे बेटा इसको वन प्लस सिकेंड को बेटा फंडामेंटल टी रेशियो साइन कोस में चेंज कर देंगे सो बेटा सिकेंड इज इक्वल्स वन अपॉन कोस ऑफ ए होल अपॉन में सिकेंड इज वन अपॉन कोस ऑफ ए यस बेटा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में सो दट इज द एलसीएम इन न्यूमरेटर सो बेटा यहाँ पर ये यह एक होल नंबर है होल नंबर है तो डायरेक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई होगा सो दैट्स मेक अ कोस ए प्लस वन एंड हेयर इज अ वन अपॉन कोस ए एंड दैट गिवस कोस ए प्लस वन अपॉन कोस ए इंटू बेटा डिनोमिनेटर का रेसी प्रोकल मल्टीप्लाई करा देंगे कोस ए अपॉन वन कोस ए सी कोस ए कैंसिल एंड दैट गिवस आस ऑफ एंगल ए प्लस वन ओके स्टूडेंट यस बेटा इसके बाद बेटा हमें क्या करना होगा इसका यस बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे आने के बाद अपने पास नेक्स्ट कोई प्रोसीजर नहीं बचता है इसको प्रोसीड करने के लिए तो हमने थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ देखा तो हमारे पास यहाँ पर है साइंस स्क्वायर और अपोन में है वन माइनस को सो बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज किया है मैं इसको वन प्लस कोस ऑफ ए राइट कर हूँ। नेक्स्ट स्टेप में बेटा वन प्लस कोस ऑफ ए इंटू वन माइनस कोस ऑफ ए अपॉन में वन माइनस कोस ऑफ ए क्या किया बेटा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बेटा multiply 1 minus cos a and divide by 1 minus cos a सो so, बेटा ये हमने यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई किया है जिससे कि हमने यहाँ पे क्या चेक किया बेटा न्यूमरेटर में अपने पास वैल्यू आ गई वन प्लस कोस ए इंटू वन माइनस कोस अपॉन में वन माइनस कोस ए बेटा न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो दैट गिवस आ ए स्क्र ए स्क्र यानी कि वन स्क्वेयर इज आ वन माइनस बी स्क्वेयर बी स्क्र यानी कि कोस स्क्र ए अपॉन में वन माइनस कोस ए तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा है बिकॉज a plus b into a minus b is equal a square minus b square. ओके बेटा ओके नेक्स्ट प्रोसेस इज a. नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर देखिए अपने पास फर्स्ट आइडेंटिटी से वन माइनस ओ स्क्र ए की वैल्यू साइंस स्क्र ए होती है साइंस स्क्र ए Upon me, one minus cos A by first identity, and that is our RHS. Okay, students, yes, yes, student, question fifth, part sixth, take LHS. सो स्टूडेंट्स एल एच एस अपने पास है बेटा अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर न्यूमरेटर इसमें अंडर रूट के अंदर बेटा रैशनलाइजेशन करा लेंगे क्या करा लेंगे इजेशन सो देखिए बेटा या फिर हम कह सकते हैं ऑन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए सो बेटा अपने पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन ए नेक्स्ट प्रोसेस बेटा हम इसको राइट कर सकते हैं वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए क्योंकि बेटा यहाँ पर दोनों भी सेम पावर है सेम पावर है इट्स मीन्स हम न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का और अंडर रूट अपना कॉमन होगा वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए एंड होल अंडर रूट सो बेटा न्यूमरेटर में अपने पास वैल्यू आ गई वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में बेटा अपने पास ए माइनस बी ए प्लस बी जो कि हमें वैल्यू क्या देगा बेटा ए स्क्वेयर वन स्क्वेयर इज अ वन माइनस बी स्क्वेयर बी इज अर हॉल अंडर रूट बिकॉज़ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज गीव अ ए प्लस बी होल स्क्वेयर एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज गीव अ ए स्क्वेयर माइनस साइन सॉरी साइन ए होल स्केयर एंड बेटा आपोन में अपने पास देखिएगा वन माइनस साइंस स्केयर इज इक्वल्स को स्केयर ए बाई फर्स्ट आइडेंटिटी एंड होल अंडर रूट by first identity so beta hum isko whole square se under root cancel and we have a 1 plus sin a upon me cos a अब बेटा हम इसको separate कर लेंगे separate करेंगे तो अपने पास value आएगी वन upon में कोस a plus में साइन ए अपॉन cos a and beta 1 upon cos a is a secant of a plus sign upon cos is tan of a yes student i hope you are understood okay students bye